अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले ताकि हम आपको खबरों से अपडेटेड रख सकें। इस वक्त की बड़ी खबर सिवान से आ रही है, जहां सिवान जिले के जेपी चौक पर अर्चना ज्वेलर्स में बेकॉप अपराधियों ने जमकर तांडव मचाया है। बेकॉप अपराधियों ने सबसे पहले अर्चना ज्वेलर्स में जमकर लूटपाट की, उसके बाद एक व्यक्ति को गोली मार दी है जिससे वो पूरी तरह से जख्मी हो गया है। फिलहाल उनका इलाज सिवान के सदर अस्पताल में चल रहा है। वहीं सदर अस्पताल के बाहर तस्वीरें देख सकते हैं किस प्रकार भीड़ उमड़ी हुई है। सबसे बड़ी खबर सिवान से आ रही है, जहां पर बेखौफ अपराधियों ने अर्चना ज्वेलर्स में लूट की घटना के अंजाम दिया है, उसके बाद एक व्यक्ति को गोली मार दी गई है। फिलहाल उस व्यक्ति का इलाज सिवान के सदर अस्पताल में चल रहा है। इस घटना के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। उसके बाद लगातार पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों को पकड़ने के लिए लगातार छापेमारी करना शुरू कर दी है। तो बड़ी खबर सिवान जिले के जेपी चौक से आ रही है, जहाँ पर अर्चना ज्वेलर्स में अपराधियों ने जमकर लूटपाट किया, उसके बाद उसमें बैठे एक व्यक्ति को गोली दाग दी है। आगे अब आपके शहर सिवान में भी विकास डिजिटल कमल जयमाला सेट किसी भी शादी विवाह के शुभ अवसर पर बुक करने के लिए संपर्क करें विकास बाबू को, मोबाइल नंबर 7462862592।